देखिए गाइस, हमारे खीरे का कोफ्ता कितना प्यारा और कितने अच्छा लग रहा है देखने में, और बहुत इजी ढंग से बनाया है। तो इसे देखने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं अपनी वीडियो। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, चलिए आज देखते हैं ये यूनिक सी रेसिपी कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे की एक ऐसी इंटरेस्टिंग सब्जी जो कि आपने पूरे यूट्यूब पर बहुत ज्यादा नहीं देखी होगी, एक या दो देखे होंगे वीडियोस, ज्यादा नहीं है, और बहुत ज्यादा यम्मी रेसिपी है। तो देखिए, दो टमाटर, एक मीडियम साइज प्याज, चार से पांच कलियां लहसुन की, और ये चार हरी मिर्च। तो चलिए इनका पेस्ट बनाते हैं। तो ये मिर्च डाली हमने, और ये देखिए इनका सबका हम पेस्ट बनाकर पीस लेंगे। ये देखिए गाइस, दर दर ऐसा पिसा हुआ है, तो इसी में हम अपना टमाटर भी ऐड करेंगे। बस इसको पीस लेते हैं हम इसको भी। ये देखिए गाइस, पिस चुका है मसाला। तो चलिए अब अपना खीरे का करते हैं काम। ये देखिए गाइस, वॉश कर लिया है, ये ऊपर का और नीचे का पार्ट कट कर दिया है, और थोड़ा सा ऐसे कट करके आप चेक कर देख लें कि कहीं खीरा कड़वा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो जितने भी खीरे लेने हैं ऐसे ही चेक कर देख लें, क्योंकि खीरे अक्सर कर कड़वे निकल जाते हैं, तो इसको हम ऐसे इनके ऊपर के छिलके को हटा देंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस, हमने छील लिया है, तो अब इसको ग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ग्रेट कर लेते हैं इस तरह से करके। ये देखिए गाइस, ग्रेट कर लिया है, तो इसको हम स्क्रीज करेंगे, बिल्कुल इसका जो पानी है इस तरह से दबाते हुए निकाल देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, निकाल दिया। ये देखिए गाइस, इसको स्क्रीज कर लिया है, तो ये पानी निकल आया है इसका अलग, तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर सब इस जो चीज हम बना रहे हैं, जो सब्जी हम बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें, और अगर नहीं ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसको छान के इसका ये निकाल दीजिए और काला नमक मिला के इसको पी लीजिए, बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए हम अपना बनाते हैं दूसरा इनग्रीडियंट। ये देखिए गाइस, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए, काली मिर्च पाउडर दो से तीन चुटकी, कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी बिल्कुल, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, बस इससे ज्यादा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, गाइस स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे बिल्कुल। देखिए गाइस, टमाटर लहसुन मिर्च और प्याज का जो पेस्ट बना के रखा था उसमें से भी हम एक स्पून इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने नहीं ऐड किया हुआ है। और अब इसमें हम डालेंगे बेसन, तो बेसन जैसे हमारी आवश्यकता है उसी हिसाब से डालेंगे, ठीक है, और इसको हम मिला लेंगे। और इसमें ये देखिए, ये हींग है, तो ये चार से पांच चुटकी हींग है, तो इसमें हम आधी डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए, कम से कम दो चुटकी हींग हमने इसमें डाल दिया, और दो चुटकी हींग हम जब सब्जी बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे इसकी, तब इसमें हम ऐड करेंगे। तो इसको हम सारे को मिला लेते हैं, एक मिनट हाथ से मिलाते हैं, चम्मच स्पून से नहीं मिल पाएगा उतना अच्छे से, ठीक है। इस तरह से करते हुए अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए गाइस, आवश्यकता के अनुसार हमें बेसन ऐड करना है इसमें, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं, क्योंकि खीरे का पानी जैसा होगा उसी तरह से हमें करना है। ये देखिए, हमें इस तरह से बनाना है कि इसकी हम पकौड़ियां डालें तो ये अच्छे से बन जाए। देखिए, हम वो जो होटल में जो लोग बनाते हैं, हम उसकी तरह नहीं बना बता रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ पकौड़ियां हमारी ठस हो जाती हैं, ठीक है, तो हम इसी तरह से बनाएंगे। कोफ्ते बना रहे हैं, ठीक है, खीरे के कोफ्ते। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए, ये हमारा हो चुका है, तो इसको हम 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे रेस्ट के लिए, जिससे कि जो हमारा बेसन है इसके अंदर फूल जाए अच्छे से। ये देखिए गाइस, धुआं अच्छे से निकलने लगा है, तो फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल है, धुआं निकालना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये हमारा हो चुका है 5 मिनट, तो इसको एक बार और ऐसे करके फेंट लेंगे। और चलिए अब छोटी छोटी सी अपने कोफ्ते बनाते हैं, इस तरह से डालते हैं, देखिए
बिल्कुल छोटे छोटे गोल गोल बनाने हैं इस तरह से, राई डालने, एक बैच में जितने आ जाए बस उतने ही डालने हैं। ये देखिए गाइस, एक मिनट हो चुका है तो धीरे से इनको पलट देंगे। और एक बात गाइस, देखिए खीरा जो होता है वो बहुत ज्यादा गर्मियों के लिए सेहतमंद होता है, इसलिए मैंने उसका पानी भी नहीं फेंका हुआ है, क्योंकि पानी में भी तो सारे विटामिन्स होते हैं, तो उनको भी यूज करेंगे। तो इनको हम धीरे धीरे धीमी आंच पर इनको पका लेंगे गोल्डन ब्राउन को, ठीक है ना, अच्छे से। ये देखिए गाइस, जिस तरह से गोल्डन ब्राउन ये हुए हैं उसी तरह से करना है। एक बात और गाइस, अगर आप लोग इनको चाय के साथ पकौड़ियों के रूप में खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत 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 यम्मी। बच्चे अगर खीरे नहीं खाते ना तो बच्चों को ऐसे खिला दीजिए, वो आराम से खा लेंगे। तो सारे बना लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे, वरना वीडियो ना लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारी फैमिली है, वो बोर हो इस वजह से। एक बात और गाइस बोलना चाहेंगे हम कि जितना हमने टारगेट किया था उतने हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जो अब नेक्स्ट डे है, अब जो भी हमारी वीडियो पर सबसे पहले कमेंट करेगा, जिसका फर्स्ट कमेंट होगा हमारी वीडियो पर, उसकी उसकी जो कमेंट है वो हम पिन भी करेंगे और उसका हम अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसका हम नाम भी लेंगे। तो प्लीज हमारे हमें हमारे वीडियो पर कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करिए करिए। तो चलिए इस तरह की रेसिपी देखने के लिए, और देखिए अभी अपना ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, अभी आगे चलते हैं। ये देखिए गाइस, आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमने कम से कम चार पकौड़ियों का बैटर छोड़ दिया है, तो इसमें ही हम अपना पानी ऐड करेंगे। देखिए कैसे, ये देखिए गाइस, इसमें हम अपना पानी ऐड कर लेंगे, इसी का हमें इसी की ग्रेवी बनानी है, ठीक है। ये देखिए गाइस, जो हमने उसका जो जूस निकाला था वो भी इसी में ऐड कर देंगे। इतना पानी इनफ है, यानी ये हमारा लगभग चार ग्लास पानी है। देखिए गाइस, अगर आप पकौड़ी में से नहीं बचाना चाहते मत बचाइए, अलग से भी बेसन घोल कर ऐड कर सकते हैं, हमने इसमें ही कर लिया, ठीक है, बचा लिया। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और अपना आगे का काम करते हैं। ये देखिए गाइस, कोफ्ते सारे हमारे रेडी हो चुके हैं बनके, मगर इसमें ऑयल जो है वो ज्यादा है तो उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने लगभग जितना हमारा ज्यादा तेल था वो सारा निकाल लिया है, एक चमचा तेल खाली हमारा रह गया, एक लेडल भर, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं आगे। ये देखिए गाइस, जो इसमें जो हमने हींग बजा के रखी थी वो इसमें हींग हम ऐड कर देंगे, और जो हमने मसाले ये पीस के रखे थे वो भी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको चलाते हुए भूनेंगे और इसमें और मसाले ऐड करेंगे जो ऐड करना है। ये देखिए गाइस, हाफ टेबल हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और एक पीस काली मिर्च पाउडर, बस इतना ही इंग्रेडिएंट हम यूज करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए गाइस, मसाले ने हमारा जो ऑयल है वो छोड़ दिया है, ठीक है, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अब इसमें हम अपना जो ये बैटर है इसको ऐसे हिलाते हुए और इसमें हम ऐड कर देंगे सारा का सारा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा लगभग तीन से चार ग्लास पानी हमने इसमें ऐड किया था, ठीक है, और वही बैटर हमने जो चार पकौड़ियों का बचाया था वही हमने घोल के डाल दिया है। आप अगर ना बचाना चाहें उसमें से तो अलग से भी बेसन घोल के डाल सकते हैं, दो से तीन स्पून बेसन अलग से घोल लीजिए और ऐड कर दीजिए। तो इसको अच्छे से हम पकाएंगे, इसमें ऐड करेंगे नमक। ये देखिए, हमने पकौड़ियों में भी सॉल्ट डाला हुआ है नमक, तो इसमें भी स्वाद के अनुसार ही नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा कम ही रखेंगे। और अब इसको अच्छे से हम पका लेंगे। अब इतनी देर इसको पकाना है जितनी आप ग्रेवी इसकी थिक खाएं, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा थिक खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा पतली खाते हैं। तो इसको हम पकाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ये देखिए गाइस, हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया अच्छे से, तो इसको हम पका लेंगे अब अच्छे से। लगभग दो मिनट तक पकाएंगे पहले, उसके बाद जिस हिसाब से हमको ग्रेवी चाहिए इसकी, थिक या पतली, तो उसी हिसाब से इसको हम जिसकी कंसिस्टेंसी है अपने हिसाब से कंफर्म कर देंगे। तो ये देखिए, अच्छे से बॉयल हो गया, तो इसको अच्छे से पकने देंगे दो मिनट। देखिए गाइस, लगभग दो मिनट हो चुका है पकने के लिए, ठीक है, दो मिनट पक चुका है। ये देखिए, कुछ ग्रेवी इसकी थिक भी हो चुकी है। इस टाइम पर हम अपने इसमें पकौड़ियां जो हैं ये ऐड कर देंगे।
ठीक है। तो हल्का सा प्रेस करते हुए इनको ऐड करना है, ठीक है, इस तरह से हमने सारी पूड़ियां ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब इनको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, जिससे कि जो जो ग्रेवी है ना, ये सारी पकौड़ियां अब्सॉर्ब कर ले अंदर के लिए, सोख ले, ठीक है। तो इनको 2 मिनट और पकने देंगे और फ्लेम को धीमा कर देंगे। ये देखिए गाइस, हमारा टाइम हो चुका है, बन चुकी है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे धनिया पत्ती, और जितनी थिक हमें चाहिए ग्रेवी उतनी थिक हो चुकी है। तो देखिए गाइस, हमारे पास हरी धनिया नहीं थी, इसलिए हमने सूखी धनिया डाल दी है। हरी पत्तियां जो सूखा के पाउडर बना रही है, तो वही ऐड कर दिया है इसमें, ये देखिए। और इसको अब हम सर्व करेंगे। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा क्या, इसको धनिया पत्ती से और खीरे से हमने सर्व मतलब डेकोरेट किया है। आप जब मन चाहे उससे डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारी आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।